नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता, स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। दर्शकों, आज की हमारी जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या टॉपिक है। जी हां दर्शकों, एक्चुअली में होने क्या वाला है कि 2020 में जो है 6-6 ग्रह वक्र अवस्था में जाने वाले हैं। यह बात सही है कि कोई भी ग्रह का वक्र अवस्था में जाना यह सामान्य बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत असामान्य बात है कि कोई ग्रह वक्र हो रहा है। यह तो ग्रहों का आपस का जो है वह परिक्रमा का काल होता है कि उसको उस समय तक वक्र अवस्था में जाना है, पुनः मार्गी हो जाना है। लेकिन आप सोच रहे होंगे तो फिर क्या जरूरत रही आपको वीडियो बना करके जानकारी देने की। दर्शकों, हो क्या रहा है कि 2020 में एक ऐसा समय आने वाला है जिसमें 6-6 ग्रह एक साथ वक्रीय अवस्था में जाने वाले हैं। अब 6-6 ग्रह एक साथ वक्रीय अवस्था में जाएंगे तो कहीं ना तो कहीं यह शुभ संकेत नहीं है। बहुत सारे इसके रीजन हैं, मैं अवश्य बताऊंगा क्यों मैं यह वीडियो आपके लिए बनाया हूं। दर्शकों, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, 2020 का शुरुआत में ही COVID-19 यानी कोरोना वायरस के कारण पूरे संसार में जो है त्रासदी फैली हुई है। यह किसी पर्टिकुलर एक फैमिली की बात नहीं है, यह संसार में प्रत्येक जीव, सिर्फ इसमें मनुष्य ही नहीं जानवर भी जो है इससे पीड़ित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी जिंदगी में मैंने अपने जीवन में जितने इतिहास पढ़े हैं कि एक साथ संसार में इतनी त्रासदी कभी नहीं आई और एक साथ संसार में कभी इतने लोग मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। कहीं ना तो कहीं इसके पीछे ग्रहों की स्थिति निश्चित तौर पे काम कर रही है। अब मैं बताना चाहता हूं कि आज की हमारी जो वीडियो है यह कोई व्यक्ति विशेष पे नहीं है। यह वीडियो जो है यह गोचर के बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन पे है, कहीं ना तो कहीं जिसका प्रभाव सब पे अवश्य तौर पे पड़ेगा। दर्शकों, हो क्या रहा है कि जब जब ग्रह वक्री होते हैं तब तक उसके प्रभाव कभी अच्छे होते हैं, कभी खराब होते हैं, अर्थात कभी शुभ होते हैं, कभी अशुभ होते हैं। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैंने अपने रिसर्च में देखा कि जब जब ग्रह वक्री हुए हैं उस समय भारत के लिए निश्चित तौर पे कहीं ना तो कहीं नुकसानदायक और हानिकारक रहा है, जिसमें खास करके मैं चर्चा करूंगा शनि ग्रह का। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों। दर्शकों, भारत पाकिस्तान का 1971 में 47 और 49 के मध्य में जो युद्ध हुआ उस समय भी शनि वक्र अवस्था में थे, जिसमें भारत को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा। इसके अलावा जो है 1962 में भारत और चाइना का जो वार रहा उसमें भी भारत को जबरदस्त नुकसान का सामना करना पड़ा। इस समय भी शनि और बृहस्पति वक्र अवस्था में थे। और अब तो सिर्फ शनि और बृहस्पति की बात नहीं या फिर शुक्र की बात नहीं कर रहा हूं, 6-6 ग्रह वक्र अवस्था में स्थित है। जी हां दर्शकों, तो कहीं ना तो कहीं यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको यह समझनी चाहिए। क्योंकि देखिए दर्शकों, हो क्या रहा है कि बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि यह चार ग्रह वक्र अवस्था में है, होने वाले हैं। एक विशेष महीने की बात और एक विशेष समय की बात मैं करने वाला हूं। और राहु केतु ऑलरेडी अपनी राशि में वक्र अवस्था में तो अवश्य चल रहे हैं। दर्शकों, देखिए हो क्या रहा है कि कोई भी ग्रह का वक्र होना उस ग्रह के नेचर पे डिपेंड करता है और उस ग्रह की स्थिति पे डिपेंड करता है कि वह क्या नुकसान और क्या फायदा देने वाला है। देखिए दर्शकों, सबसे महत्वपूर्ण बात कि बुध वक्र अवस्था में जा रहा है। तो गोचर जगत में अगर मैं बात करता हूं तो बुध जो है, सबसे पहला बुध की बात करता हूं तो बुध जो है 24 मई से 2 अगस्त तक जो है मिथुन राशि में रहेगा, जिसके साथ सूर्य भी विराजमान है लेकिन बुध आदित्य योग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कोई ग्रह अगर नीच का हो या अशुभ स्थिति में हो तो वक्र होना थोड़ा शुभ फल देता है। एक्चुअली में वक्र अवस्था होता है जब कोई ग्रह अपने तीव्र गति से सूर्य के नजदीक चला जाता है और पुनः सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के इफेक्ट से जो है वह खींचा चला जाने के बाद पुनः जब वापस लौटता है तो उसको वक्र अवस्था बोलते हैं। अर्थात कोई ग्रह जब वक्र अवस्था में जाता है तो उसकी स्थिति बहुत सामान्य नहीं रहती है, वह हेल्दी नहीं रहता है। कोई इंसान अगर सीधा चल रहा है और वह बैक होगा तो कहीं ना तो कहीं उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी।
यही कारण है कि बुध आदित्य योग उत्पत्ति होने के बाद भी जो है बुध जो है मिथुन राशि में वक्र अवस्था में जा रहा है, और मिथुन राशि में बुध का वक्र अवस्था में जाना शुभ नहीं है, क्योंकि वह जो है वृषभ राशि का भी फल देगा। अब बुध वाणी है, बुध बुद्धि है, बुध जो है धन के कारक हैं, और इंसान के जीवन में उसके स्वास्थ्य के और पेशेंस के कारक हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, शुक्र भी जो है, प्रिय दर्शकों आपको समझनी चाहिए कि शुक्र भी जो है 13 मई से 25 जून तक जो है वक्र अवस्था में रहने वाले हैं, और शनि भी जो है 11 मई से 29 सितंबर तक वक्र अवस्था में रहने वाले हैं, बृहस्पति जो है 14 मई से लेकर के 13 सितंबर तक वक्र अवस्था में रहने वाले हैं। मैंने बोला कि वक्र अवस्था होना असामान्य बात नहीं है, यह एक सामान्य बात है, लेकिन क्यों, यह रीजन मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब देखिए क्या हो रहा है कि बृहस्पति जो है 30 जून से प्रवेश कर जाएंगे अपनी स्वयं की राशि धनु राशि में। अभी फिलहाल वो नीच के वक्र अवस्था में बैठे हुए हैं, तो नीच का कोई ग्रह जब रहता है और वह वक्री होता है तो वह शुभ फल देता है, यानी 30 जून तक बृहस्पति शुभ फल तो देंगे, लेकिन 30 जून के बाद बृहस्पति जो है क्या करेगा कि बृहस्पति क्या है, धन है, बृहस्पति क्या है, इंसान की दया है, इंसान का जो है पराक्रम है, इंसान का भाव है, और इंसान का पेशेंस है, यानी आत्मशक्ति और उसके अंदर बुद्धि में बुद्धि की शक्ति है, यानी बृहस्पति कहीं ना तो कहीं अगर खराब हो जाए तो बहुत ही स्थिति खराब हो जाती है। ऑलरेडी बृहस्पति और अभी शनि बैठे हुए थे, तो बृहस्पति लीवर से लेकर के इंसान के जीवन में उसके हेल्थ को कंट्रोल करता है, यानी बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। जिसका बृहस्पति खराब हो जाए उसकी पाचन शक्ति खराब हो जाए, और जिस देश का बृहस्पति खराब हो जाए उस देश की इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाती है। फाइनेंशियली बात कर रहा हूं, बाय मैकेनिकल या बाय इलेक्ट्रॉनिकल बात नहीं कर रहा हूं। तो कहीं ना तो कहीं बृहस्पति अपनी राशि में वक्र का होना यह संकेत है कि लोगों के अंदर पेशेंस की कमी होगी, लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा, लोग परेशान होंगे, लोग मेंटली टॉर्चर होंगे, और साथ में बृहस्पति अपनी राशि में जा रहा है और बृहस्पति वह स्थान का मालिक हो रहा है जहां पे शुभ होने के बाद भी वक्र अवस्था में अशुभ फल देंगे। तो कहीं ना तो कहीं यह दिखाता है कि लोगों के बीच में पेशेंस की कमी हो जाएगी, यानी कहीं ना तो कहीं यह दिखाता है कि लोगों के बीच में युद्ध का, या फिर कहीं ना तो कहीं बहुत बड़ा दुनिया में विध्वंसक कुछ न तो कुछ आवश्यक होने की यह संभावना है। अब दूसरी बात देखिए क्या हो रहा है कि शनि वक्र अवस्था में जा रहे हैं, तो शनि वक्र अवस्था में जा रहे हैं तो वह अपनी राशि का है। अब शनि भी जब अपनी राशि में बैठा है तो वक्र अवस्था में जाएंगे तो वह भी जो है बृहस्पति के जैसा ही थोड़ा फल देंगे, अर्थात शनि इंफ्रास्ट्रक्चर का कारक होता है, शनि पावर होता है, शनि अपने जमीन संपत्ति का अस्तित्व का कारक होता है, और शनि इंसान के जीवन में जो है धन के कारक होते हैं। तो कहीं ना तो कहीं शनि का भी खराब होना कोई ना तो कोई देश को अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए, अपनी संपत्ति बचाने के लिए, ऐसे भारत और पाकिस्तान की स्थिति अभी कुछ दिनों से अच्छी नहीं है, क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर के कुछ इलाकों में सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान का चुनाव करने की कुछ न तो कुछ वजह डाल दी है कि तुम चुनाव लड़ो, यानी इजाजत दे दी है, इसमें भारत को आपत्ति है। तो कहीं ना तो कहीं अभी एक संकेत हो सकता है, क्योंकि शनि वक्री होना भारत के लिए शुरू से ही अशुभ रहा है, तो यह भी एक लक्षण है, या फिर अन्य देश में भी एक दूसरे देश से भिड़ सकते हैं ड्यू टू प्रॉपर्टी और ड्यू टू क्रोध, यानी आत्म संयम खोने का डर। और शनि देख किसको रहा है, मंगल को देख रहा है। अब मंगल को शनि देख रहा है और मंगल अभी जो है बृहस्पति की राशि में, यानी उसको जो है नैरसैसिक बल से बल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि खुद मंगल जो है, समझिए खुद मंगल जिस राशि में बैठा है मीन राशि में, उसकी स्थिति खराब है, क्योंकि बृहस्पति वक्र अवस्था में जा रहे हैं। अब देखिए क्या हो रहा है कि शुक्र भी वक्र अवस्था में अपनी राशि का जा रहा है। कोई भी ग्रह अपनी राशि में वक्र जाएगा तो अशुभ फल नहीं देगा, क्योंकि उसकी पावर जो होती है, उसकी क्षमताएं जो होती हैं, वह अशुभ हो जाता है, वह नेगेटिव हो जाता है, और यह सारा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। अब बुध के बृहस्पति शुक्र क्या है, भौतिक सुख सुविधा है, शुक्र क्या है, आपसी जो है तालमेल है, साझा व्यापार है, मित्रता है, मित्रता संबंध है। तो अब शुक्र भी रेट्रोगेट हो रहा है तो बहुत सारे देशों का आपसी मित्रता संबंध खराब होगा, लोग एक दूसरे को मारने काटने पे हो सकता है कि आगे बढ़ जाए, यानी दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त होने की कंडीशन शुक्र बनाने वाला है। बुध मैंने बता दिया कि अपनी राशि का खराब हो रहा है, बुध पेशेंस है, वाणी के कारक है, और जब बुध खराब हो जाएंगे तो बुध शत्रु का भी मालिक होता है, और यह भी अपनी राशि में हो रहा है वक्री, तो कहीं ना तो कहीं बुध जो है
क्रोध उत्पन्न करेगा, लोगों में पेशेंस की कमी करेगा, पराक्रम को बढ़ा देगा, क्योंकि तीसरे नंबर पे वह तीसरे हाउस में विराजमान हो रहा है। तो कहीं न तो कहीं अपशब्द का प्रयोग कहीं न तो कहीं यह दिखाता है कि शत्रुता उत्पन्न करेगा। बुध शत्रु स्थान का खुद मालिक भी होता है, यानी शत्रु को माफी देने की ट्रेजेडी जो होती है, जो ट्रेंड होती है, वह बुध में होता है। बुध खराब हो जाए तो इंसान के अंदर जो है मोह माया खत्म हो जाता है, इंसान के अंदर दया याचना खत्म हो जाता है। इसके अलावा जो है समझिए कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह घटित कब हो रहा है। ऐसे तो यह समझ करके चलिए कि बुध जो है यह 12 जुलाई को जो है इनकी वक्र अवस्था समाप्त हो जाएगी, लेकिन बृहस्पति शुक्र और शनि यह तो कंटिन्यू है, और राहु के तो ऑलरेडी वक्र अवस्था में उच्च के चल रहे हैं। अब यहां पे एक समस्या ये हो रही है कि बृहस्पति जब धनु राशि में प्रवेश करेगा तो केतु के साथ बैठ के चंडाल योग की उत्पत्ति कर रहा है, यानी बृहस्पति का पावर खत्म हो रहा है और बृहस्पति वक्र हो रहा है। मृत्यु घर का भी फल वो देने वाला है और साथ में जो है वह नीच का फल भी देने वाला है और लक फेवर नहीं करेगा। यानी कहीं न तो कहीं यह जो समय है ये यानी 18 जून से लेकर के जुलाई तक का जो समय रहेगा ये संसार के लिए सबसे ज्यादा खराब है। नौकरी के लिए भी अच्छा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी अच्छा नहीं है और किसी भी कंडीशन पे ठीक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि 18 जून से लेकर के जुलाई तक के मध्य में कोई देश एक दूसरे से भिड़ जाए या फिर कोई बहुत बड़ी जो है प्राकृतिक त्रासदी आ जाए, लोग परेशान हो जाए, बर्बाद हो जाए। अतः मेरा यही कहना है कि जून से लेकर के जुलाई के मध्य में जितना ज्यादा से ज्यादा हो भगवान की आराधना कीजिए, पेशेंस रखिए और साथ में जो है अपने स्वास्थ्य पे विशेष ख्याल रखिए। हालांकि यह सिम्टम सितंबर तक चलेगा, खतरा सितंबर तक रहने वाला है, लेकिन जून और जुलाई अभी तक का जो कैलकुलेशन मैंने किया है बहुत ही खतरनाक है। अतः मैं यही बोलूंगा कि बच करके रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि जून और जुलाई का जो समय है वह इस दुनिया के लिए अब तक का सबसे खराब हो। प्रिय दर्शकों, एक जानकारी थी जो मैंने आपके लिए शेयर किया है। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे से पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आज लूंगा आपसे इजाजत, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता, धन्यवाद।